नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज एक ऐसी मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो तुलसी से बनाई जाती है। तुलसी का जो पौधा होता है उससे इसको बनाया जाता है। तुलसी के क्या बेनिफिट होते हैं आप भली भांति जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि कोई भी वीडियो का पार्ट आप मिस ना कर पाएं। जो तुलसी होती है उसके द्वारा ये मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है ओसिमम सेंटम क्यू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम सेंटम क्यू के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो ओसिमम सेंटम क्यू मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज के बारे में तो 30 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग साइजों में बनाती हैं। कुछ कंपनियां इसको 30 ml में बनाती हैं, कुछ 100 ml में और कुछ 450 ml में इसको बनाती हैं। दोस्तों इसका 30 ml वाला साइज आता है उस पर जो MRP आती है, जो SBL कंपनी बनाती है उसको 100 rupees में बनाती है और जो अलग अलग कंपनियां वो इसको मिले जुले रेटों पर ही बनाती हैं, कुछ 110 में, कुछ 120 में, कुछ 100 में, कुछ इस प्रकार से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूजर्स के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ओसिमम सेंटम मेडिसिन होती है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर किसी को जुकाम की परेशानी है, जो जुकाम है वह किसी भी मौसम में हो आपको हो जाता हो, खासकर अगर सर्दी के मौसम में अगर आपको जुकाम हुआ है या आपको सर्दी लग गई है जिसकी वजह से खांसी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ओसिमम सेंटम क्यू का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो इसका अगला यूज़ होता है वो अस्थमा के लिए होता है। आप में से अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है, दमा की परेशानी है, सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, आपको ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, सांस की नली पे सूजन आ गई है, तो उसको भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला यूज़ होता है एप्थस अल्सर के लिए। दोस्तों एप्थस अल्सर का मतलब होता है मुँह के छाले। दोस्तों आप में से अगर किसी को मुँह में छाले हो गए हैं, बहुत सारी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन जो मुँह के छाले हैं वह ठीक नहीं हो रहे हैं, या आपको टॉन्सिलाइटिस की परेशानी हो गई है, जो गले में टॉन्सिल हैं वे बढ़ गए हैं जिसकी वजह से आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द जिसकी वजह से बना हुआ है, तो टॉन्सिलाइटिस को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंह के छालों को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसका अगला यूज होता है ओचाइटिस या टेस्टिस पेन के लिए। दोस्तों जितने भी पुरुष हैं अगर उनके वृषण में या जो टेस्टिस होते हैं वहां पर उनको दर्द है, जो दर्द है वह बेचैन करने वाला हो रहा है, तो ऐसे दर्द को भी आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इसका अगला यूज होता है ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट ईचिंग के लिए। दोस्तों जितनी भी महिलाएं हैं अगर उनको ब्रेस्ट पेन की शिकायत है, जो ब्रेस्ट पेन है वो पीरियड टाइम में ज्यादा हो रहता हो या पीरियड आने से पहले दर्द रहता हो या पीरियड के दौरान ब्रेस्ट में दर्द रहता हो, तो ऐसे दर्द को इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को जो ब्रेस्ट के नीचे वाली स्किन होती है वहां पर अगर किसी को ईचिंग रहती है, खुजली रहती है या पसीना रुक जाने से वहां पर खुजली होती है, तो ऐसी ईचिंग को या ऐसी खुजली को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में ईचिंग रहती है, ब्रेस्ट में खुजली रहती है, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका अगला यूज होता है, जो ओसिमम सेंटम मेडिसिन होती है स्किन की बीमारियों को भी ठीक करने का काम करती है, त्वचा संबंधी बीमारियों को भी ठीक करने का काम करती है। जैसे अगर किसी को अकने या पिंपल्स की शिकायत है, चेहरे पे कील या मुहासों की समस्या है, या किसी को टीनिया बर्सिकुलर है या टीनिया कॉर्पोरिस है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, या किसी को दांत की शिकायत हो जाती है, तो दांत जैसी समस्याओं को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। या किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती हो, कब्ज की शिकायत रहती हो, जो लैटिन है वो 2 से 4 दिन में किसी को आती हो, रोजाना लैटिन नहीं आती हो, जिसकी वजह से जो पेट है वह भरा भरा सा रहता हो, खाना खाने की आपकी इच्छा नहीं करती हो, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत को भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो जो ओसिमम सेंटम मेडिसिन होती है लॉस ऑफ एपेटाइट की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। अगर किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत है, भूख न लगने की समस्या है, तो भूख को बढ़ाने का काम भी ये मेडिसिन करती है। तो जो ओसिमम सेंटम मेडिसिन होती है रीनल पेन या रीनल कोलिक की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी के गुर्दे में पथरी की समस्या है, पथरी की वजह से अगर पेट में दर्द हो रहा हो, तो ऐसे दर्द को इस मेडिसिन की सहायता से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों जो ओसिमम सेंटम मेडिसिन होती है आंत्रिक ज्वर की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। टाइफाइड फीवर की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को टाइफाइड की शिकायत हो गई है, टाइफाइड बहुत सारी मेडिसिन का इलाज कराने के बावजूद भी आपका टाइफाइड जो फीवर है वह ठीक नहीं हो रहा हो,
तो ऐसी स्थिति में अगर आप ओसियम सेंटम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो जो टाइफाइड की समस्या है वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या दमा की शिकायत है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप गुनगुने पानी में डालकर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।